हेलो एवरीवन, पीपीएससी का किनाल पटवारी का पेपर जो है 29 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। उन्होंने पूरा टाइम टेबल भी डिफाइन कर दिया है। ये पेपर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में होगा। ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। ये हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी तैयारी के लिए 5 ईयर के पास्ट पेपर चाहिए, यकीनन हर बंदे का ये क्वेश्चन है कि जी मुझे 5 साल पास्ट पेपर चाहिए, मैंने तैयारी करनी है, तो उसके हवाले से ये वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। किनाल पटवारी का कभी पेपर नहीं लिया पीपीएससी ने, जब से भी पीपीएससी टेस्ट ले रहा है। तो अब यकीनन आपको इसके पास पेपर हर सूरत में चाहिए। इसके लिए ये आप टिप्स नोट कर लें, यकीनन यही आपको अच्छी तैयारी में मददगार साबित हो सकता है। पीपीएससी ने जो 2021-22-23 में जो पेपर लिए हैं, वही इसके लिए इसके पास पेपर हैं। 2021 से पहले पीपीएससी का तरीकाकार और था, 2021 के बाद से अभी तक पीपीएससी का पेपर लेने का तरीकाकार और है। 2021, 2022 और 2023 में जो पेपर हैं, बहुत से लोगों को यही नहीं पता। मैं बहुत सी वीडियो बनाता हूं, मैं उसमें बताता हूं कि 2021, 2022, 2023 के पेपर पढ़े हैं, वो भी यही रट देते हैं। उनको ये नहीं लॉजिक पता जो वीडियो लोग बनाते हैं कि ये क्यों कहता हूं। उसकी ये वजह है कि 2021, 2022 और 2023 का जो पेपर पैटर्न और है पीपीएससी का, इससे पहले जब 2021 में पेपर लीक हुआ था कोई, तो उसके बाद उन्होंने ये चेंज कर दिया सिस्टम, और अब उनका नया डेटाबेस है और उसी मुताबिक। पहले तो होता था 2021 से पहले, तो बार दफा 50% पेपर रिपीट हो जाता था। अब इतना नहीं होता, अब 15%, 20%, 30% तक होता है, लेकिन टॉपिक्स उसी तरह के ही हैं। तो 21-22-23 के पेपर जब पढ़ लेंगे तो उसको आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से पेपर आते हैं। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने बेहतरीन तरीकाकार जो बनाया है, उसमें यह है कि हमने 2021 में, 2022 में और 2023 में जो पेपर हुए हैं, उनको आपकी आसानी के लिए इस तरह से हमने अलग अलग कर दिया। जैसा कि 2023 में जो पेपर्स के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मुझे सिर्फ इंग्लिश के पढ़ने, तो आप यहाँ पे देख लें, इस्लामिक स्टडी के यहाँ पे, कंप्यूटर के यहाँ से, उर्दू के यहाँ पे, एवरीडे साइंस के यहाँ पे, करंट अफेयर, क्योंकि 10 बुक होती हैं, तो 10 की 10 बुक्स मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। इसी तरह 2022 में जो पेपर हुए, तो उसको भी हमने 10 के 10 सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया, ताकि जो भी क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से समझा। इसी तरह 2021 में तमाम पेपर के चाहिए, और 21 के जो 1 by 1 सब्जेक्ट के हमने इस तरह से कर दिए। अब क्योंकि कंप्यूटर इसमें 50% है, तो आपको कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसमें हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर देखें कि उसने जिन जिन चीजों को उठाया, उनको जिन जिन क्वेश्चन को, जिन जिन टॉपिक्स को, उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर। हो सकता है इनमें से 15 या 20% आए, लेकिन असल ये है कि जैसा कि वो अगर एमएस ऑफिस का कोई टॉपिक उठाता है खास तौर पे, तो उस टॉपिक की तरफ बार बार, जैसा कि शॉर्टकट की को वो बार बार हिट करता है, तो आप शॉर्टकट की देखें, 100 के करीब कम से कम शॉर्टकट की याद करें, तो यकीनन आपके 3, 4, 5 नंबर वो आ जाएंगे, 2, 3 नंबर या जितने भी। वहाँ पे एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बड़ा अहम चीज़ है। किसी वेबसाइट से शायद ना मिले, लेकिन आपकी सहूलत के लिए ये हमने कर दिया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे उसी तरह ही पेपर पढ़ने हैं, तो यही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ये दे दूंगा, वहाँ से आपको ये अपने 5 ईयर पास्ट पेपर वाले पे चले जाना है, और उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा 5 ईयर पास्ट पेपर, और यहाँ पे बुक भी आप इसी वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, इसी जो लिंक दिया है उसी से, और हमने पास्ट पेपर ओवरऑल भी यहाँ पे दिए। जैसा कि ये जो ओवरऑल फास्ट पेपर हैं, जैसे जो भी हो रहे हैं करंटली, हमने इसको 1 by 1 अपलोड किया हुआ है। शायद ये बुक से भी ना मिले, आम जब पेपर होते हैं तो आप लोगों की हेल्प से जो जो क्वेश्चन लोगों को याद होते हैं, वो हम पूछ के यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, ताकि आने वाले पेपर में, क्योंकि बुक्स छपते हुए टाइम लग जाता है, तो ये उससे पहले पहले आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और ये एक खिदमत खलक ही है, क्योंकि किसी की अगर जॉब लग जाती है, तो हो सकता है वो हमें भी दो में याद रखे, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत तलब काम है, हद से ज़्यादा मेहनत तलब काम है, कि एक एक चीज़। वेब एजुकेशन में कोई पैसा नहीं होता, ख़ास पैसा नहीं है वेबसाइटों पे ना वीडियो में, लेकिन ये है कि लोगों का अगर भला हो रहा है तो और क्या चाहिए, यही बेहतरीन है। अपनी दुआ में याद रखना है आप। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अदरवाइज इस नंबर पे आप अपना नाम लिख के मैसेज करेंगे, तो आपको ग्रुप का ज्वाइन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। अल्लाह।